Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up. Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 15 अक्टूबर 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 8:14 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा काफी वोलेटाइल मूव था दोनों भी इंडेक्स में, बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में। और निफ्टी इंडेक्स में डेली चार्ट पर एक डोजी कैंडलस्टिक बनाई, यानी इनडिसिजिव मूव है। कहां ओपन हुआ था वहां ही जाके ये क्लोज हुआ है। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 14 अक्टूबर, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,340 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,252। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, जैसे ही इसने हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,365 ये अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 11,383 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। जो अपस्टॉक्स और फाइव पैसा है इनका एक ऑफर चल रहा है, उनके बारे में मैं क्विकली मैं आपको बता दूं। ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और फाइव पैसा। तो अपस्टॉक्स और फाइव पैसा का अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है ट्रेडिंग फैब के मेंबर्स के लिए। तो अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर और एक ऑफर है। जैसे ही आप अप्लाई का अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर शुरू करेंगे तो उसके बाद आपको पार्टनर 300 ये प्रोमो कोड यूज करना है, ताकि आपको 300 रुपीज़ का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिले। तो ये एक स्पेशल ऑफर है इसी महीने के लिए है अपस्टॉक्स के लिए। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ओटीपी जो आपको मोबाइल के ऊपर आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है तो आपका क्लाइंट कोड हमें कॉल करके आपको कंफर्म करना होगा, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, ताकि जैसे ही कंफर्म होता है क्लाइंट कोड हम आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये था एक क्विकली ऑफर के बारे में छोटा सा एक इंट्रो। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नैस्डैक हल्के से प्रेशर के साथ बंद हुए। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो लाल निशान में वो बंद होते हुए नजर आए, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई और हांगकांग मार्केट दोनों भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि चाइना मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, हांगकांग और चाइना के बीच में थोड़ा क्लैश है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, थोड़ा सिचुएशन वहाँ पर पैनिक वाला है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 53 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 41 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल थोड़े से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यह है निफ्टी का चार्ट, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है वीकली चार्ट। कल हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये देखा था। अगर ये अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर मूव करता है, क्योंकि अभी ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ये तीनों भी मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में अभी देखें तो एक पैरेलल लाइन में है, ठीक है, इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर और भी ऊपर की तरफ मूव आता है तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी ये जो अपसाइड मूव के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए ये अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। अभी पहला ही इस वीक का ट्रेडिंग सेशन था कल, आज सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है। तो अगर यहाँ से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर मूव होता है तो ये हमारे टारगेट्स होंगे। फर्स्ट 11,481 जहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर ओपन हुआ था, और यहाँ से और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ इसने मूव दिखाया था, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,481 एज पर वीकली चार्ट। और नीचे सपोर्ट यहाँ पर 20 EM है, ये जो पिंक लाइन है 11,283 के पास ये फर्स्ट सपोर्ट होगा, और उसके बाद जहाँ पर अभी यहाँ से बाउंस बैक दिखाया है ये 50 EM है ब्लू लाइन 11,198 यानी 200 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में।
डेली चार्ट में कल का अगर आप ये कैंडलस्टिक देखें तो दोजी कैंडलस्टिक बना हुआ है। जैसे ही दोजी कैंडलस्टिक आता है उसके नेक्स्ट डे एक जबरदस्त मूव आता है, आइदर बियरिश होता है या फिर बुलिश होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोजी पैटर्न था, उसके नेक्स्ट डे जबरदस्त स्ट्रांग मूव, ये दोजी कैंडलस्टिक था उसके नेक्स्ट डे जबरदस्त ये स्ट्रांग मूव, फिर ये दोजी कैंडलस्टिक उसके नेक्स्ट डे ये जबरदस्त स्ट्रांग मूव। तो अभी डिसीजिव इनडिसीजिव पैटर्न बना हुआ है कल, तो आज अगर इसका हाई और लो इन दोनों में से कोई ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है 15 मिनट के चार्ट में, अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है आइदर हाई के ऊपर या फिर लो के ऊपर, तो वहां से हमें टूवर्ड्स और भी उस डायरेक्शन में जबरदस्त मूव दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल अभी तो ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वीकली चार्ट जैसा ये मूविंग एवरेजेस वो असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं है, मिक्स्ड अप है, तो ये दोनों में फर्क है। अभी फिलहाल ये देखिए यहाँ पर ये कैसे फ्लैट चल रहे मूविंग एवरेजेस, इसको असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और उसके ऊपर इंडेक्स ट्रेड होना चाहिए, तो ये हमें यहाँ से अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल काफी वोलेटाइल मार्केट है, ये डेली और वीकली चार्ट का सीनरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये कल ये जो हाफ एन आवर था तभी इसने एक हैमर जैसा कैंडलस्टिक बनाया है, ठीक है, नीचे 20 ईएमए का सपोर्ट लेके इसने ये हैमर जैसा कैंडलस्टिक बनाया। तो अगर इस कैंडलस्टिक का ये हाई अगर ब्रेक करता है, ये हाई यहाँ पर देख सकते तीन बार ये यहाँ पर पेनेट्रेट हुआ है इस लेवल के पास, इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर अगर ये 11,372 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,389, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का लेवल 11,410, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो लेवल है यहाँ पर देख सकते हैं, पास्ट में यहाँ पर ये फेल हुआ था इस लेवल के ऊपर क्लोज होने के लिए, यानी 11 अक्टूबर को यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज हुआ, ये बुलिश कैंडलस्टिक का क्लोज यहाँ पर हुआ है, और यहाँ से ये जबरदस्त स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, और जब इसने बाउंस बैक दिखाया था तो एग्जैक्ट फिर इसी लेवल के पास ये फेल हुआ था, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ था। तो कल भी इस लेवल के ऊपर आके ये जस्ट क्लोज हुआ है, तो अगर ये 11,339 को अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,324, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट ये जो 20 ईएमए का पिंक लाइन है 11,311 के पास है अभी ये फिलहाल, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।